हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नौर में चोरों ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया है। चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने चोरी करने से पहले आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी घुमा दिया था और फिर जैक की मदद से दुकान के शटर को उखाड़कर करीब 6 बड़ी एलईडी और कई सामानों पर हाथ साफ कर दिया। दुकानदार का कहना है कि पुलिस ने एक बार आकर बातचीत की, उसके बाद कोई नहीं आया। दुकानदार का यह भी कहना है कि पुलिस ने इस मामले में ना तो कोई शिकायत दर्ज की और ना ही सीसीटीवी कैमरे चेक किए हैं। पुलिस के इस रवैये से दुकानदारों में काफी रोष है। लगभग 5:15 बजे के आसपास फोन आया भाई पास, सोए हुए थे कि भाई आपकी दुकान का शटर उखाड़ दिया, अपना आगे काम काज संभाल लो। बस हम आया, भागे भागे आए हैं, देखा कि शटर टूटा हुआ था, अंदर से एलईडी गायब थी और होम थिएटर वगैरह गायब थे, छोटे आइटम गायब थे। अभी हिसाब का तो नहीं पता वो क्या क्या है, क्योंकि कैमरे वगैरह सब तोड़ लिए, डीवीआर उखाड़ के ले गए, तो अभी पूरा अंदाजा हम नहीं लगा पाया कि क्या क्या नुकसान हुआ है। पुलिस प्रशासन लगभग 1 घंटे की देरी से पहुंचा, हमने आते ही फ़ोन कर दिया था 100 नंबर पे, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने गन्नौर थाने में फ़ोन किया, वहाँ से कोई नहीं आया। फिर 100 नंबर पे फिर से फ़ोन किया, वहाँ से उन्होंने नंबर दिया है सही का, उन्होंने उसके बाद आके ले गए हैं, देख के फोटो वगैरह खींच के लेके गए हैं।